ओके जी, बहुत ही अहम टॉपिक होता है प्रोबेबिलिटी। अब जिनको प्रोबेबिलिटी का टॉपिक सिरे से ही नहीं आता तो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल इब्तदा से समझ लो। जैसे कि नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब ये तो नंबर है, आपको कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी निकालो ऑड नंबर आने की। फर्स्ट करो 1 से 10 तक हम नंबर चूज कर रहे हैं, टिकट्स हैं लेट्स सपोज, तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? आखिर ये प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबल इवेंट, ठीक है, मे बी किसी चीज़ के होने का चांस। अब देखो ऑड नंबर इनमें कौन कौन हो जाएगा, वेल 1, 3, 5, 7 और 9, कितने ऑड नंबर आ रहे हैं? 5, 10 में से। तो ऑड नंबर आने का चांस हो जाएगा 5/10। ओके, ऐसे इवन भी 5/10 होता जो कि हाफ हो जाता। ओके जी, हाफ हो जाता। याद रहे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, जिसका परसेंटेज 100 से ज़्यादा नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी यानी 1 या 1 से छोटी, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। अब प्राइम नंबर आने का पूछे तो प्राइम नंबर में कौन कौन आ जाएगा? 2, 3, 5, 7, 9 तो 3 से डिवाइड होता है। प्राइम नंबर उनको कहते हैं जो अपने अलावा किसी से डिवाइड ना हो। तो 2, 3, 5, 7 चार प्राइम नंबर आ गए 10 में से। ओके जी, 2 के टेबल से घटा 2/5। अब 1 याद रखो ना प्राइम में आता है ना कंपोजिट में आता है। नीचे कंपोजिट नंबर ही पूछे, कंपोजिट नंबर होते हैं जो अपने अलावा भी किसी से डिवाइड हो, जैसा 4, 2 से भी होता है, 6, 2 और 3 से भी होता है, 8 है 2 से 4 से, 9, 3 से, 10, 2 और 5 से। तो ये यहाँ कितने दिए? 5। 5/10 हाफ आ जाएगी। अब मेरे भाई कल गला को सवाल दे दें, आइधर ऑड और इवन नंबर। तो भाई आइधर ऑड का मतलब, जब भी आइधर का लफ्ज़ इसका मतलब है ऑड नंबर प्लस इवन नंबर। तो हम क्या करते, ऑड नंबर भी 5 थे, इवन भी 5 थे, मैं 5+5 लिख देता। नीचे डिवाइड हमेशा किससे करेंगे? टोटल से, जो कि 10 है। 10/10 क्या होता है बच्चों? 1 होता है। प्रॉबिलिटी 1 हो जाएगी आइधर इवन और ऑड की। वैसे अगर कल गला को नाइधर इवन और ऑड आए जो कि आ चुका है तो क्या होगा? तो वेल नाइधर इवन नॉर ऑड। तो भाई ऐसा होने से रहा कि कोई भी नंबर ना इवन हो ना ऑड हो, नंबर इवन या ऑड लाजमी होता है। तो नाइधर इवन नॉर ऑड का जब भी क्वेश्चन पूछे तो अंडरस्टूड सी बात है आंसर क्या होगा आपका? 0 होगा, प्रॉबिलिटी 0 होगी। अब यह एक और कॉन्सेप्ट बड़ा है मैं, वो है वेक्टोरियल का। ये वेक्टोरियल क्या होता है? जैसे कि 3 का वेक्टोरियल गल में 3 × 2 × 1, 6 का वेक्टोरियल होगा तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो मैं ये कहता हूँ जो बड़े वेक्टोरियल हैं वो आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि 6 का वेक्टोरियल 720, 7 वेक्टोरियल 5040, 8 वेक्टोरियल 40320। यूजली 8 वेक्टोरियल तक लोग याद भी रखते हैं, पर 9 वेक्टोरियल बड़ा है मैं 3, 6, 2, 8, 0। अब बोलो सर आपने 10 वेक्टोरियल लिखा क्यों नहीं? अरे लिखने की ज़रूरत क्या है, जो 9 का होगा ना वेक्टोरियल उसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 10 से करना है। तो इसी में क्या होगा, एक ज़ीरो का इजाफा हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 का वेक्टोरियल। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका बच्चों? प्रोबेबिलिटी।